politicians, but also now a tweet coming in from IPS Association. And in a tweet, the IPS Association says that we condemn the lethal attack on UP Police Inspector Subodh Singh, recognize his bravery and risks police officers are exposed to because of disruptive mob mobilizations. We demand strongest action against perpetrators and instigators. They have also tagged PMO India, HMO India, CM Office UP in this tweet by the IPS Association. तो आईपीएस एसोसिएशन ने भी पूरी तरह से कंडेम किया है सुबोध कुमार की निर्मम हत्या जिस तरह से की गई इस मॉब के हाथों. और प्रियांक त्रिपाठी अभी भी इस स्टोरी को हमारे लिए ट्रैक कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं वापस फोन लाइन पर. प्रियांक, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो आपने बोला कि अभी भी कुछ सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है, अरेस्ट नहीं किया है, साथ ही साथ यूपी के चीफ मिनिस्टर ने चार दिन के अंदर अंदर पूरे वायलेंस से रिलेटेड रिपोर्ट मांगी है. उस बाबत आप क्या पिक कर रहे हैं कि रिपोर्ट के प्रिपरेशन और इंक्वायरी किस स्टेज पर है? हाँ जी, हमें जो पता चल पा रहा है पुलिस के जो सूत्रों के अनुसार कई लोगों से पूछताछ की गई है कल पूरी रात. और चूंकि ये लोग जो थे आसपास के गाँव के थे, उनमें से कुछ लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के भी थे, कुछ और जो राइट विंग जो ग्रुप थे उनके भी थे. इन चीजों को लेकर के अभी काफी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है. वहीं दूसरी तरफ हमें जो जानकारी मिली है कि पुलिस ने दो शख्स को डिटेन भी किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कौन लोग थे जो हथियार लेके आए थे. लेकिन प्रीति, मैं आपको एक बार वापस इस बात की तरफ इशारा करवाना चाहूंगा कि ये जो कल जो रास्ता ब्लॉक किया गया है वो वेल थॉट स्ट्रैटेजी का था. इट वॉज प्री प्लान थिंग बिकॉज दे न्यू दैट दिस पर्टिकुलर 59 पीपल वुड ट्राई टू मूव टूवर्ड्स गढ़मुक्तेश्वर ऑन देयर वे बैक होम एंड दैट हाईवे वॉज स्टॉप डिलिबरेटली टू स्टॉप ऑल दीज पीपल एंड फॉर दैट दे ब्रॉट द कॉर्पस ऑफ तो अपने इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पुलिस को इस एंगल पर भी गौर करना होगा कि ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी शायद, और एकदम से इंस्टेंस ऑफ मॉब वायलेंस नहीं था कि ऑन द स्पॉट वायलेंट हो गया मॉब. बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस पूरी जानकारी के लिए.